जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने हाल ही में एक फैसला लेकर जम्मू कश्मीर बैंक को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिया। इसके साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक को आरटीआई के दायरे के अंदर भी लाया और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के दायरे के अंदर भी लाया। अगरच आरटीआई के दायरे में लाने की मांग काफ़ी सालों से जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे थे इस बैंक को, तहम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाने के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी शोरूम पाया जाता है। हर तबका जो यहाँ पर, चाहे वो मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेडर्स फेडरेटी हो या फिर यहाँ के आम लोग हो, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। आज हम कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट शेख आशिक साहब से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर ट्रेडर्स का क्या व्यू पॉइंट है इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये भी एक स्टेक होल्डर के तौर पर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। शेख आशिक साहब, आपका खैर मुकदम में खबर उदम में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस डिसीजन के खिलाफ, क्यों कर रहे हैं आप ये प्रोटेस्ट? जी, प्रोटेस्ट करना और कोई गलत डिसीजन के खिलाफ जाना, मेरे ख्याल से इसमें बहुत फर्क है। आपका जो नज़रिया है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई एक डिसीजन ऐसा है जिसके खिलाफ बोलना बहुत, मेरे ख्याल से आप किस जिम्मन में ले इस बात को, मगर मेरे ख्याल से एज ए बिजनेस सेट आई मस्ट टेल इट कि ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई डिसीजन ऐसा लेता है जिससे कि बिजनेस फेटर्निटी हो, वो छोटे से छोटा दुकानदार हो, कोई बड़ा से बड़ा, जो भी कोई काम कर रहा हो, वो उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। मैंने पहले भी कहा, मैंने कहा इतना बड़ा डिसीजन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लेना था, उनको कम से कम हमारे साथ एक कंसल्टेशन करनी थी, बिजनेस फेटर्निटी के साथ, ट्रेड लीडर्स के साथ, यहाँ तक कि चैम्बर, न जम्मू चैम्बर के साथ कंसल्टेशन की गई, न कश्मीर चैम्बर के साथ। इन्होंने क्या किया, नंबर वन आरटीआई के दायरे के अंदर अंदर हम जे एंड के को ला रहे हैं, अब ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आ जाए, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज के डेट में एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया कि शायद कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि आरटीआई को लाने के लिए पीएसयू ज़रूरी था। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट किया गया है। पीएसयू जब हम देखें, ये आप देखिए, एक हमारे पास कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है जिसको हम देख के कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, शायद हमारे आम लोगों को कुछ मसाइल हल हो जाएंगे। आम लोगों का कोई मसला हल नहीं होगा इससे, बल्कि एक इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि आज तक जो हमारे पास रेडिली एग्जाम्पल है पीएसयू की, वो ठीक नहीं है हमारे स्टेट गवर्नमेंट। और जब हम करेंगे बात जेके बैंक की, ये एक वाहिद थ्रू आउट इंडिया बैंक ऐसा है कि जिसमें स्टेट ओन्ड है, इसमें 59.3% वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है। सो इट इज अनदर, इट वाज समथिंग, यू नो, इट्स अ यूनिक इन इट्स ओन वे। तो आप इसको क्लब किन किन चीजों के साथ करेंगे, मेरे ख्याल से ये एक ऑटोनमस बॉडी थी, और हम एक तरीके से कहते हैं कि हमें लोगों को जोड़ना है, हमें पावर्स जो हमको है वो डिसेंट्रलाइज करने हैं, कहीं हम गलत चीज़, कोई गलत डिसीजन लेने में अगर इसमें रिथिंक हो जाएगा, क्या मसला है इसमें, कोई ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन पीछे हो गए हैं जिनसे लोगों का फायदा हो गया है, चैम्बर्स केम पब्लिक एंड वी हैव अप्रिशिएटेड दोज डिसीजंस, अगर आज चैम्बर उनको हम मिलने में मिल सकते हैं और सामने भी ये बात कह सकते हैं कि देखिए ये जो डिसीजन है, अगर ये ठीक नहीं है हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक नहीं है, तो इसमें कौन सी बुरी बात होगी कि अगर इस डिसीजन को पीएसयू को अलग रखा जाए, ट्रांसपेरेंसी जो ये चाहते हैं वो भी डिस्कस करके, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब पहले हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि मतलब ट्रेडर्स फेडरेटी जो आपकी जो एसोसिएशन है, उनको कोई इश्यूज नहीं है सीबीसी या फिर आरटीआई के दायरे में लाने से, कोई ट्रांसपेरेंसी, देखिए वही मैं बात बता दूं आपको, हम कह रहे हैं कि जो भी एक पॉलिसी है आरबीआई की, उस दायरे के अंदर अंदर हम उन लोगों को एनकरेज करते हैं। तो इसमें ये कोई खुदा न खास्ता इस तरह कोई, हमारे स्टेट से मैं कह रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल एक सेंस ऑफ अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, हमारे स्टेट में जितनी भी लैंडिंग हो गई है, इट इज़ रिकवरेबल,
और हम उसको चैम्बर हो बिजनेस जो हमारे ट्रेडर्स हैं हमेशा इनकरेज करते हैं इस बात को कि वो बैंक के पास आ जाए क्योंकि ये बैंक के साथ हमारी सोशल बाइंडिंग है जो भी बिजनेस यहाँ पर एक आपने लोन्स की बात की तो एक बात है कि जो यहाँ पर हमेशा सवाल उठाया जा रहा है जेके बैंक के बारे में इसकी जो क्वालिटी ऑफ लोन है बैड लोन क्वालिटी है वहाँ पर जो लोन दिए गए एक पर्टिकुलर मखसूस तबके को अच्छे लोन दिए जाते हैं 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ या तो उनका पोलिटिकल इंटरवेंशन होता है उसमें या तो फिर काफ़ी ये भी लोग होते हैं इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं तो आम लोगों को आपको तो ये भी पता है कि मतलब 30,000 की अगर कोई किसी को लोन लेना होता है किसी यूथ को लेना होता है कुछ स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पहली बात उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गारंटी चाहते हैं और इतना ह्यूमिलेट किया जाता है बैंक भी उसको तो एक चीज़ तो है एक डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन तो है जेके बैंक में एक आम लोग और एक इन्फ्लुएंशियल उसके दरमियान आम लोगों की बात मैं करूँ चैम्बर ने ही 8-10 साल पहले एक फार्मूला दिया जेके बैंक को और गवर्नमेंट के साथ भी हमने कहा कि भारतीय दस्तकार फाइनेंस स्टार्ट हो जाए इतने बैंक है यहाँ पे आज तक वो बात किसी ने नहीं कही आज से 20,000 से 25,000 लोगों को जेके बैंक ने ही दे दिया आई एम विटनेस टू उन बेचारों को भी प्रॉब्लमें हो गई उसमें भी हम गवर्नमेंट को एट टाइम्स इंसिस्ट करें कि इनका कुछ इसमें देख ले कि आपका इंटरवेंशन कैसा होगा ये जो आप आम लोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे कोई बैंक आगे नहीं आता है हमें यहाँ पे अल्टीमेटली जेके बैंक ही आता था जिसके पास उन्होंने आर्टिजन क्रेडिट कार्ड दे दिया दस्तकार फाइनेंस था वो मॉडल उनके पास पूरा था मगर उन्होंने वो किया नहीं मगर जो भी बात है आज तक आपकी मैक्सिमम लैंडिंग देखिए किसकी है तो इसलिए जब आपकी मैक्सिमम लैंडिंग है एनपीए रेट एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी मगर जब आप एनपीए बात करेंगे एनपीए यहाँ पे कंपेरेटिवली लेस है एज व्हेन यू कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नंबर वन अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो उसमें एक रीज़न कोई ले हमें कि क्यों हम ये कर रहे हैं कोई जवाजियत नहीं है इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में और मुझे लग रहा है इट शुड नॉट बी अ बोन ऑफ कंटेंशन कि नहीं जी पीएसयू ही करना है इससे कुछ होगा हमने देखे हैं पीएसयू कैसे काम कर रहे हैं बिल्कुल उसमें कुछ नहीं है आरटीआई उधर एप्लीकेबल भी है जम्मू कश्मीर बैंक में मतलब आपको ये भी पता है मुझे भी पता है कि मतलब यहाँ पर जो मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि कुछ इश्यूज है ट्रांसपेरेंसी को लेकर कुछ मतलब बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं अपना बैंक जो हमारा अपना बैंक है जम्मू कश्मीर के लोगों की वजह से एक एरोगेंस चला है एक लॉबीज्म हो चुका था इसमें तो आपको नहीं लग रहा है कि उन लोगों को भी इस वो हर्ट हो रहा है इस डिसीजन से देखिए ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ कोई लेट मी बी वेरी क्लियर बट ट्रांसपेरेंसी के आड़ में आप इसको पीएसयू कर रहे हैं बिल्कुल गलत है आप इसको अलग अलग ले लीजिए आप देख लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी कैसे रहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एक्सट्रैक्ट कैसे मैक्सिमम किया जाए देयर कैन बी वेज बट इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वी हैव ऑल्सो यू नो वी आर हेयर इन चैम्बर वी हैव टेकन अ व्यू पॉइंट फ्रॉम क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल एंड इट इज यूनानिमस दैट No way it will prosper under PSU. अगर हम PSUs की बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी प्राइवेट सेक्टर में आता है पंजाब नेशनल बैंक भी आता है इसी तरह से बहुत सारे बैंक्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में ही आते हैं जिस आपकी बात कर रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें शेयर होता है मोर देन 50% यहाँ आपका स्टेट गवर्नमेंट का दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू इट्स अ यूनिक अगर आज के डेट में हम इस बात को भी एक मेरे ख्याल से इशू बनाएंगे तो ज़रूरत मेरे ख्याल से खाम इस बात को इशू बना रहे उतना बड़ा इशू है नहीं बैंक चलेगा ऐसे और चलता आ रहा था 80 साल 80 ईयर्स और मेरे ख्याल से गवर्नर साहब वो हमारी स्टेट में गया कई बार बैंक देखिए और हम बोल भी ग्लोबल सिनेरियो ऐसा है वी आर विटनेस टू द ग्लोबल I do business lot with other countries. I know what is the position throughout the world. India में bank की क्या हालत है उसमें यहाँ पे working condition में दो I am feeling like at times कि मैं कहीं JK bank के ही बारे में तो नहीं कर रहा हूँ उनके I should talk about one point कि public sector undertaking ठीक है या JK bank जिस formula से ये चल रहा था जिस तरीके कार से ये चल रहा था उस पर बाकी जो फंक्शनिंग है उनकी
जो परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से वो उस पर बात करेंगे. आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन, आई शुड टॉक ऑन देयर फॉर. तो आप क्या करेंगे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट शुड बी रिवोक्ड. इट शुड बी रिवोक्ड. दिस डिसीजन शुड बी पीएसयू शुड बी रिवोक्ड. अगर उनमें ट्रांसपेरेंसी और जो भी वर्क एक्सट्रैक्शन है बेस्ट तरीका जो है गवर्नमेंट कैन एक्सप्लोर इट. दे हैव इट इज देयर बैंक, इट्स गवर्नमेंट्स बैंक, नो डिनायल इन दिस केस. जितने भी यहाँ बिजनेसेस थे वो कोई छोटा सा छोटा दुकानदार हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, हर एक का काम जेके बैंक के साथ जुड़ा हुआ है. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे जो हमारे फेडरेशंस हैं, जो चैम्बर्स हैं, वो इस बारे में बात करते हैं एंड दे हैव टू स्पीक अबाउट इट. शुक्रिया.